नमस्कार, आज मैं आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सुखासन की विधि सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमको आसन देखना पड़ेगा कि हमारा आसन कैसा है। आसन ऊन का या प्लास्टिक का होना चाहिए। आसन ऐसा होना चाहिए कि हमको अर्थिंग ना मिले, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होता है और अपने जो हम कमाई करते हैं प्राणायाम की वो हमको पूरी नहीं मिल पाती है। हाँ, तो पैर, दाएं पैर को बाएं जंघे पर रखा और बाएं पैर को दाएं जंघे पर, इस तरह से। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप बदल भी सकते हैं, इस दाएं को बाएं और बाएं को दाएं, इस तरह से भी आप रख सकते हो। ये हमारा हो गया पद्मासन। अब पद्मासन में सबसे पहले क्या करेंगे कि ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। पहली उंगली अंगूठे से इस तरह से लगाएंगे, तीन उंगली सीधी और दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। इसके बाद में हम पूरक करेंगे, रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को लंबा लेंगे और ओंकार का गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे और थोड़ा ठहरेंगे, कुंभक करेंगे, लंबा श्वास लेंगे जब हम श्वास लेंगे तो हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा ध्यान अनहद केंद्र हृदय में। फिर से लंबा श्वास, ओ अब हम आपको अर्ध पद्मासन सिखाएंगे। अर्ध पद्मासन, एक पैर को ये रखा जंघे पे और दूसरा पैर नीचे, ये अर्ध पद्मासन है। पद्मासन में दोनों पैर के तलवे ऊपर की तरफ होते हैं और अर्ध पद्मासन में एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। इसमें भी हम आराम से बैठ सकते हैं। इसके बाद और ये प्राणायाम भी इसी तरह से जो अभी आपने किया है, ओंकार का गुंजन, हम आपको अब सिखाते हैं सुखासन। सुखासन में बिल्कुल कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, सुखपूर्वक दोनों पैरों को आलती पालती मार के, आलती पालती सभी जानते हैं, आलती पालती मार के सुखासन में बैठ गए इस तरह से। तो जो क्रिया भी सीखी है आपने, वही क्रिया इसमें भी कर सकते हैं। लंबा श्वास लेंगे, ओह
ये आपको तीन आसन आज सिखाए हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सुखासन। अब इसके लाभ क्या है, लाभ के बारे में आपको बताते हैं। मन में शांति मिलती है, मुख पर तेज बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है, इससे रक्त शुद्ध होता है, अच्छी नींद आती है, दमा, हिस्टीरिया, कुष्ठ रोग, कैंसर, पेट और त्वचा की रोग, अनेक प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होती हैं, शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है। यदि प्रातः काल नियमित सुबह शाम ये प्राणायाम किया जाए तो ये इसकी ओंकार की इतनी महिमा है, इसके गुंजन से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और इंसान तेजस्वी बनता है। हाँ, ये कितने बार करना है आपको, कम से कम 10 बार। पहले आप 5 से शुरू करो, शुरुआत में आपने 5 किया, उसके बाद में 10, फिर आप 10 या 15, जितने आप समय क्षमता के हिसाब से आप इसको कर सकते हो सुबह शाम। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। धन्यवाद।